बर्थडे केक क्या किलो का बांटे है? केक क्या किलो का बांटा है? केक केक का मूल्य नहीं है, केक का भार नहीं। नमस्कार, मैं अजय और आज 14 फरवरी और इनेलो पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा, प्रदेश द्वारा और छोटी काशी व भिवानी के द्वारा आज पूरा प्रदेश इसी मंच के नीचे एकत्रित है और बातों बातों में एक जलजला बनता आ रहा, क्योंकि नगर परिषद का चुनाव है। अब 5 राज्यों का तो निर्णायक आ जाएगा, भविष्य के गर्व की बात है, लेकिन भिवानी के अंदर जन्मदिन के साथ साथ में आज पार्टी के कार्यकर्ताओं की चर्चा हो रही कि नगर परिषद चेयरपर्सन कैसी हो और किस प्रकार की अब की बार पार्टी की भूमिका रहेगी। और तो प्रदेश की बात करो, भिवानी शहर की बात करो, यानी करीम है इन लोगों की। भूतपूर्व चेयरमैन साहब रवि मैमिया जी हैं, जिला प्रधान, महिला विंग की प्रधान महिला जी परमार, क्या नाम है, इंदु परमार, और विधायक का चुनाव लड़ चुके अनिल काटपाले के रूप में, आनंद भाई साहब के रूप में और कोशी जी के रूप में। तो बात जिला अध्यक्ष से पहले, क्योंकि एक अंदर बार तो जिला अध्यक्ष ज़्यादा हुआ है। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार साहब, बहुत बढ़िया। आप पहले तो आपको शुभकामनाएं बर्थडे भाई साहब की, बहुत 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 धन्यवाद, आपको भी शुभकामनाएं। तो क्या मन का केक कटा जी? केक के वजन से ताल्लुक नहीं होता, केक तो भावनाओं के साथ होता है। कई बार रवि जी ने तना तोल दे है भाई, हम तो उतना बदना केक कटा मतलब कटा है, मतलब वैसे मुझे लिया। हमारी इंदु जी ने विशेष प्रबंधों के द्वारा ये कार्यक्रम तय किया है, तो वजन वगैरह के बारे में तो हमारी महिला अध्यक्षा जी इंदु जी बताएंगी। तो आज की किस प्रकार की चर्चा हुई, क्या बातें हुई? हमने चौधरी अभय सिंह चौटाला जी के जन्मदिन को समस्त कार्यकर्ता गण ने सेलिब्रेट किया है, और साथ ही राजनीतिक तौर पर इंडियन नेशनल लोकदल ने भिवानी नगर परिषद में अपना चेयरमैन का प्रत्याशी उतारने का निर्णय लिया हुआ है। हम नगर परिषद के चुनाव में फतेह हासिल करेंगे, जन समर्थन हमें प्राप्त है और भारतीय जनता पार्टी के कुशासन में भिवानी की जनता परेशान है, बेहाल है। और मैं तो कहूँगा कि अगर पूरे प्रदेश के तमाम जिलों में अगर सबसे पिछड़ा हुआ अगर कोई जिला है तो निर्विवाद रूप से भिवानी है। मानते हैं कि विपक्ष नाम चीज नहीं थी, विपक्ष तो लड़ाई लड़नी चाहिए, विपक्ष नहीं लड़ता, भिवानी की बात हो, प्रदेश की बात हो, क्या मानते हैं? कभी इंडियन नेशनल लोकदल लड़ाई लड़ता था, लेकिन दुर्भाग्य से जब दोफाड़ हुआ तो एक ग्रुप चौधरी देवीलाल जी की नाम लेकर और सत्तारूढ़ दल के साथ मिलकर इंडियन नेशनल लोकदल, जो चौधरी देवीलाल जी ने पौधा लगाया था और अपने दादा की पीठ में छुरा घोंपकर सत्ता के लालच में चले गए थे, लेकिन आज इंडियन नेशनल लोकदल ही अल्टरनेट है और इंडियन नेशनल लोकदल लोगों के बीच रहकर आवाज़ उठाती है। और अजय भाई मैं बता दूं कि 12 महीनों से ज़्यादा समय तक दिल्ली में किसानों का आंदोलन चला, इस पूरे देश में 140 करोड़ की आबादी में 28 राज्य, 7 केंद्र शासित प्रदेश, 4131 विधायक गण होते हैं पूरे हिंदुस्तान में, 542 से अधिक सांसद हैं, एक भी जनप्रतिनिधि ने ये हिम्मत नहीं कर पाया कि वो अपने पद से त्याग दे किसानों के समर्थन में। चौधरी अभय सिंह चौटाला जी एकमात्र ऐसे नेता थे जिन्होंने किसानों के समर्थन के लिए, और किसान इस देश का 80% तबका है, उसको समर्थन के लिए अपने त्यागपत्र को एक मिनट में बलिदान कर दिया था। सर नेताजी ने किया, अच्छी बात है, आज जिला भी पूरा प्रदेश बर्थडे बना रहा, लेकिन रातल की बात की जाए, शहर की बात की जाए, तो आप लोगों द्वारा क्या किया जाए ऐसा जा रहा जो आज कह सकते हैं कि हाँ भाई अभी इन लोग तत्पर है, तैयार है, अब घर घर जाके हो जाएगा, क्या कहेंगे? हमारे नौजवान तबका देखा होगा, नौजवान तबका हमारे साथ है, हमारी प्रत्येक वार्ड में हमारे उम्मीदवार हमारे पास हैं, जन समर्थन हमें प्राप्त है और हर मुद्दे पर, हर समस्या पर इंडियन नेशनल लोकदल लड़ाई लड़ती है। और लोगों को चौधरी देवीलाल जी का ज़माना याद आ रहा है, लोगों को चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की हुकूमत याद आ रही है, वो चाहते कि इंडियन नेशनल लोकदल की फिर सत्ता कायम हो। वृद्ध अवस्था पेंशन दुनिया में जिसका डंका बजा,
पूरा हिंदुस्तान में वो परंपरा लागू हुई। मैं फिर कड़वा सवाल जाना नहीं चाहता, फिर आप कड़वा सवाल बॉर्डर भेज में ले लूँगा, कड़वा सवाल ले लूँगा, मेरी आदत है। अब चौधरी साहब का नाम आप भी लेने लाग रहे हो और वो भी लेने लाग रहे, तो जनता विश्वास करेगी किस पर? कह रहे तो मिनट में कर दो, पीठ पर छुरा घोंप दिया, और आज चौधरी साहब आप भी नाम लेने लाग रहे हो, भाई पहले काम उन्होंने कर दिया, वो काम आपके जो साथी थे पहले वो भी अब यह बात कर ला रहे हैं, तो जनता रहने की विश्वास किस पर करे? जब राजीव गांधी जी की हुकूमत हुआ करती थी उस वक्त विपक्ष में चौधरी देवीलाल जी ने अपने प्रधानमंत्री के पद को त्याग कर प्रधानमंत्री की जो ताज था वो वीपी सिंह को एक मिनट में सौंप दिया था। इंडियन नेशनल लोकदल और उनके नेताओं की एक विचारधारा है कि वो हुकूमत की बजाय त्याग में विश्वास करते हैं, तो त्याग करने वाला कौन है? चौधरी अभय सिंह चौटाला जी और पद के लिए पीछे पीछे भागने वाले कौन है? आपको पता है कौन है? तो सच्चे चौधरी देवीलाल जी के विचारों के अनुयायी अगर हैं तो चौधरी अभय सिंह चौटाला जी हैं और इंडियन नेशनल लोकदल है। एमएलए चुनाव लड़ चुके, विधानसभा थी बड़ा था क्षेत्र था, तो अब की बार जो नगर परिषद चुनाव होगा किस प्रकार से निगाह होगी, किस प्रकार से आप लोगों का तजुर्बा लड़ेगा आपकी बार? सर्वप्रथम तो मैं आज आदरणीय चौधरी अभय सिंह चौटाला जी के जन्मदिन की आपको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और जहां तक बात है नगर परिषद के चुनाव की, नगर परिषद का चुनाव जल्द ही भिवानी शहर में होने वाला है। इंडियन नेशनल लोकदल का प्रत्येक कार्यकर्ता आज उसी फील्ड में हर वार्ड वाइज प्रोग्राम करने में व्यस्त है। और जहां तक चेयरमैन के उम्मीदवार की बात है, इसका फैसला आदरणीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी करेंगे, और जिसका भी नाम वो रखेंगे उसके पीछे हम चलकर उसे नगर परिषद की कुर्सी देने का काम। नामा साहब आप प्रदेश के नेता रहे, तो प्रदेश की बातें करता हूँ। लोगों की एक मनसा है कि इन लोग पार्टी तो कार्यकर्ता भी कम है, नेता भी नहीं दिख रहे, क्या कहेंगे? किस प्रकार से बिल्कुल बजाया जाएगा और किस प्रकार चुनाव लड़ा जाएगा? ऐसी बात नहीं है, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी एक चौधरी देवीलाल की नीतियों की पार्टी है और एक पुरानी कहावत भी है और सिद्ध भी हो चुका है। अगर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी तो एक नेता बनाने की फैक्ट्री है, नेता है, चाहे आप लालू यादव का ले लें, मुलायम यादव का ले लें, कितने बड़े बड़े नेताओं का उदाहरण ले लें, जो सभी अगर कहीं से गए हैं। और हमारी इंडियन नेशनल लोकदल तो एक और नहरी जज्बा काट दी जाए, वो इंडियन नेशनल लोकदल की देन है, किसकी देन है? तो इंडियन नेशनल लोकदल ये ऐसी पार्टी है जो अपने पैरों पर खुद खड़ी हो जाती है और लोगों के लिए संघर्ष करती है, न्याय दिलाती है और सही मायने में अगर धरातल से जुड़ी हुई है। हरियाणा के अंदर लम्बा साहब पैर कमजोर है, कोई कमजोर नहीं है, ये तो सोचने की बात है। इसी बात के मैं बता रहा हूँ कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी तो एक बहुत बड़ा पेड़ है जो इस सारे हिंदुस्तान में ही नहीं हरियाणा में भी नेता बना के देता है और आम आदमी के लिए संघर्ष करना, उसको न्याय दिलाने का काम करता है। और चौधरी देवीलाल ने जैसे सिखाया था कि जैसे गरीब आदमी के लिए उन्होंने बीच में जाकर, चाहे आज वो कर्जा माफ़ी, पेंशन है, सूखा रात है, मुआवजे वाली बात है, हमारे गरीब हरिजनों के लिए, बैकवर्डों के लिए जो नंबरदारी की प्रथा, उनके लिए अलग से चौपान, हरिजनों के लिए अलग से कन्या, भविष्य के लिए क्या प्लान? सारे हिंदुस्तान में अगर लागू करी थी तो ये इंडियन नेशनल लोकदल, ये सौभाग्य था देश का जो आपके नेताओं ने लागू की थी और लोग देश को आज ले रहे, लेकिन भविष्य में क्या प्लान है फिलहाल? चुनाव आ रहे समय में आदरणीय चौटाला साहब, ओम प्रकाश चौटाला जी और अभय सिंह जी जिस तरह से इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को सही मायने में चौधरी देवीलाल की नीतियों को लागू करने का काम कर रहे हैं, आज प्रत्यक्ष को प्रमाण नहीं, हर जनता, सारी जनता समझती है। और आगे आने वाले समय में हरियाणा में इंडियन नेशनल लोकदल का परचम होगा, झंडा लहराएगा। आनंद भाई साहब व्यापारी हैं, व्यापारी बीच में बाजार में रहो, चर्चा क्या चल रही है आज इन लो पार्टी को किस फायदे में देखते हैं? हरियाणा की बात करें, बात करें अजय भाई, सबसे पहले तो मैं मेहनत करने बड़े कार्यकर्ता हूँ अजय भाई, सबसे पहले तो मैं भाई अभय सिंह चौटाला के जन्मदिन की आपको शुभकामनाएं देता हूँ। और व्यापारी वर्ग है जो आज बीजेपी सरकार से तंग आ चुका है, उसको इतने आर्थिक नुकसान का हो रहा है जिसकी हम अभी तक कामना नहीं कर सकते, जो हर साल लॉकडाउन आ जाता है, कभी चाहे कोरोना काल हो ना हो, लॉकडाउन पक्का तो भाई सब है ही नहीं, फिर वो तो सरकार मन मर्जी करेगी, चाहे लोकसभा जा रहा है, राज्यसभा में आपका तो कसूर है, विपक्ष हो ना, विपक्ष बोलता हो तो सरकार काम करेगी, अब विपक्ष नाम की चीज है ही नहीं, विपक्ष है नहीं, तभी तो आप पैदा कर रहे हैं सर, अब पैदा नहीं कर रहे। देखो हमारे अब जो नेता हैं चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी, जेल से रिहा होने के बाद हर दिन हर जिले में कोई ना कोई कार्य
क्रम कर रखते हैं चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी, सिर्फ वो इसीलिए विपक्ष का काम करने के लिए, क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा तो बीजेपी का सेकंड रूप है। प्रधान जी प्लान के बनाओगे, किस तरह से चुनाव फाइट दी जाएगी, क्योंकि चुनाव एमसी का हो चाहे एमएलए का हो, चुनाव तो चुनाव होगा। देखिए चुनाव तो चुनाव होता है, सबसे पहले तो मैं जन्मदिन की शुभकामनाएं देता हूं देश व प्रदेशवासियों को, जगह जगह के ऊपर कार्यक्रम चल रहे हैं, और अब भिवानी नगर पालिका के चुनाव है, बारी बोमो से इनोलो पार्टी का हमारा चेयरमैन होगा, और 31 वार्डों में अब की बार बीजेपी का तो सुपड़ा साफ है। शहर की व्यवस्था मुझे पता है, मैं 24 घंटे रोड पे आम जनता की लड़ाई लड़ता हूँ, और हर आदमी का मैं देखता हूँ, हर आदमी दुखी है इस सरकार से। व्यापारियों के ऊपर कभी लाठीचार्ज कराते हैं, कभी 5 बजे बाजार बंद करा देते हैं, कभी कुछ लूट खसोट, ऐसा कोई वो नहीं है, सड़क रोड व्यवस्था कुछ भी नहीं है शहर के। ये हद की बात है, ना रोज का ना बोल पाव कसूर हुआ है। अच्छा जो अब की बार जो आज बात चर्चा होगी, तो इसके अंदर कुछ ऐसे फैसले लिए जाएंगे कौन महिला कैंडिडेट हो सकती है, कौन क्या हो सकती है, क्योंकि महिला विंग की जिला प्रधान बेटी है, क्या फैसले होंगे आपसे सवाल लूंगा। ये फैसला पार्टी के सुप्रीमो और 5 बार हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे आदरणीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी करेंगे। और जहाँ तक बारी बारी आप एक सवाल कर रहे हैं कि विपक्ष कहीं नज़र नहीं आता, आपके कैमरे भी हर रोज़ दिखाते हैं कि हम आवाज़ उठाते हैं, लेकिन ये गूंगी बहरी और निकम्मी और नकारा सरकार है, इसके कान पे जूं तक नहीं रेंगती। ये तो इतने बहरे हो चुके हैं, इनको जो किसान शहीद हुए 700, वो भी इनको 1.5 साल के अरसे के बाद दिखाई दिए थे, लेकिन समय आने पर ये जनता अपने मत का जब प्रयोग करेगी, इनकी तसल्ली करवा के दम लेगी। तसल्ली करवा मानेंगे, महिला अध्यक्ष जी लगी तो किस प्रकार से चुनाव की बात हो रही नगर परिषद की, तो किस प्रकार से निगाह रहेगी महिला की सीट है चेयरपर्सन की। जैसा कि आपने जो सवाल किया महिला की सीट है, पार्टी का जो आदेश होगा जिस भी महिला के लिए होगा, जिस भी योग्य कैंडिडेट के लिए होगा, पार्टी का हर वर्कर तन मन धन से उसकी हेल्प करेगा और उसको विजय रथ पे पहुंचाएगा। और मैं अजय जी एक आज आपसे बात करना चाहूँगी, आज मैं राजनीतिक चर्चा ना करके सिर्फ दो ही मुद्दों पे आज चर्चा करना चाहूँगी। एक तो हमारे जो पुलवामा के शहीद हुए हैं उनको हम लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित की है, और दूसरा आज हमारे नेता का जो हमारी आन बान शान है उनका जन्मदिन है, उसी के उपलक्ष्य में आज हमने ये छोटा सा कार्यक्रम किया है। आज ब्लड डोनेशन कैंप भी लगा था अनिल काठपालिया जी और आनंद सांगवान जी ने लगाया, बस्तियों में फ्रूट्स वगैरह भी बांटे गए थे। तो राजनीति क्या सरगर्मियां क्या है उसके बारे में जो पार्टी का निर्णय होगा, पार्टी जो भी आदेश देगी उस वो शर्माते हैं। इकट्ठे भी कभी कभार हो तो कभी याद कर लिया करो, शहर की चर्चा होनी चाहिए, जरूरी है। जिला अध्यक्ष आप दिनों पहले दिखे शहर में? नहीं नहीं, शहर में हम रोज दिखते हैं, लेकिन आप हमारी गली में बहुत टाइम बाद दिखे। आज बुलाया नहीं होगा तो बोलेंगे आप भी, आज हैप्पी बर्थडे बना देना। चौधरी साहब को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं सभी की तरफ से, उनको भगवान बहुत ऊंचाई पर ले जाए हर बुलंदी। तो ऊंचाई पे हो तो नहीं, ऊंचाइयों की कोई सीमा नहीं होती, सीमा नहीं। और वो आज हरियाणा के हर वर्कर के दिलों पे राज करे, चाहे वो विपक्ष पार्टी में कोई भी है, लेकिन आज वो हर आदमी की जुबान पे ये बात है कि जुबान का धनी अगर नेता है हरियाणा में तो वो चौधरी अभय सिंह चौटाला, ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। थैंक यू भाई, पूर्व चेयरमैन रहे हैं, नमस्कार। नमस्कार जी, कैसे हैं? बहुत बढ़िया। आज चुनाव की चर्चा हुई है, किस प्रकार से देखे जाएगा, पूर्व चेयरमैन रहे हो? चुनाव की चर्चा हुई है, हमारी पार्टी के सीनियर नेता बैठे हैं, बाकी हमारे अभय सिंह जी चौटाला जी, हमारे लोह पुरुष माननीय ओम प्रकाश चौटाला जी की जो भी आदेश होंगे आदेशों की पालना करते हुए हम आगामी रणनीति बनाई जाएगी। तो लामा साहब आज क्या मैसेज जाएगा, बर्थडे का जाएगा या फिर कुछ ऐसी चर्चा भी हुई चाय पानी में जो आज ऊपर आई मतलब पहुँचाई जाएगी चुनाव के प्रति? ऐसे चुनाव के लिए तो हर समय चुनाव के मोड में ही रहते हैं, सबसे ज़्यादा जरूरी होता है लोगों की आवाज़ उठाना, जिस टाइम हम विपक्ष में होते हैं। आप विधानसभा में देखा होगा आदरणीय अभय सिंह जी किस तरह से, चाहे वो दूसरा सारा विपक्ष एक तरफ रहता है, सही मायने में सच्चे मन से सच्चे दिल से और आवाज़ उठाकर आम आदमी को न्याय दिलाने का काम करते हैं, मौजूदा जो गूंगी बहरी सरकार है उसके काल खोलने का काम करते हैं। और आज का जो मेन मकसद था वही था कि हम आदरणीय अभय सिंह के जन्मदिवस की उसके लिए शुभकामनाएं करते हैं, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, लंबी आयु की कामना करते हैं, और हम सब मिलकर ये कामना करते हैं कि वो आगे आने वाले समय में संघर्ष करके आम आदमी को न्याय दिलाने का काम करेंगे। मतलब मान सकते हैं कि अब की बार 31 वार्डों के अंदर पार्षद इन लोगों उतारे जाएंगे और
चेयरपर्सन के दावेदार भी उतारे जाएंगे पार्टी? बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, बिल्कुल सिंबल पे चुनाव पार्टी लड़ेगी और हर वार्ड से हम अपना इंडियन नेशनल लोकदल का उम्मीदवार खड़ेंगे, लोगों की आवाज़ उठाएंगे और जब आपकी अपनी सरकार बनेगी उनको न्याय दिलाने का काम करेंगे। थैंक यू सर। तो बात की INLD के प्रमुख चेहरों से, चाहे प्रदेश की बात हो, चाहे जिले की बात हो, चाहे शहर की कार्यकर्ता की बात हो, बर्थडे का प्रोग्राम था, अभ्यभाषा का बर्थडे था 59वां और चर्चाएं थी चुनाव के ऊपर। तो एक मंथ दो काज इन लोग पार्टी कार्यकर्ताओं लोग करते हुए देखे जा सकते हैं कि एक तरफ चर्चा भी कर ली चुनाव के ऊपर और एक तरफ बर्थडे भी बना लिया नेताजी का। नेताजी बात तो भूल गया मैं, बर्थडे केक क्या किलो का बांटे है? केक क्या किलो का बांटा है? केक केक का मूल्य नहीं है, केक का भार नहीं है, जो दिलों में हमारे प्रेम बस रहा है सिर्फ आज उन प्रेम की जो भावना है। हाँ, नेता ने लोग तोल दिया करे कि लाडुआ में करे सिक्का में करे केक में, उनके उनके नेताओं में दम नहीं होता तो उनको तोल रहे होंगे। हमारे नेता तो वो भी तो जुबान के धनी है, हरियाणा के जन जन, हरियाणा के जन जन के लोगों के दिलों में बसे हुए हैं। विपक्ष भी मतलब चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि पूरे हरियाणा में एक नेता है तो चौधरी अभय सिंह चौटाला है, तो उन वजन में भारी है तो लिया को नहीं है, लेकिन खुशी से दिल से तन से मन से धन से बर्थडे बनाया गया अपने नेता का। JN सिंह से अजय नायक, पंकज सोनी, खास रिपोर्ट।